बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दादा कुकिंग चैनल में अज़ीज़ुल हसन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन इकराम, आज हम बनाएंगे अरवी गोश्त। अरवी गोश्त, पालक गोश्त, भिंडी गोश्त, ये बड़ी कॉमन हमारे यहाँ घरों में पकने वाली डिशेज़ हैं, और ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आप इसको ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है कि ये बहुत लजीज और मज़ेदार सालन बनेगा। आइए देखते हैं। अरवी गोश्त बनाने के लिए 1 किलो बछिया का गोश्त और 1 किलो अरवी छील के और उसके 2 टुकड़ों में काट लीजिए। 4 अदद प्याज़ें लेके उसे बारीक काट लीजिए। मसाला बनाने के लिए 2 टेबल स्पून नमक, पिसी सुर्ख मिर्च ये भी 2 टेबल स्पून, पिसा धनिया 4 टेबल स्पून और पिसी हल्दी 1 चाय की चम्मची। थोड़े पानी के साथ इसको घोल के और इसको पेस्ट की शक्ल दे लीजिए। ये हमारा सालन में डालने का मसाला तैयार हो गया। अब एक पैन को गर्म करके उसके अंदर 2 प्याली तेल डालिए। इस तेल के अंदर हमें अरवी तलनी है। ये अरवी इसमें डाली और अब हम इसको तलेंगे जैसे फ्रेंच फ्राइज तलते हैं। इस तरीके से इसको तलने के बाद ये हम इसको वापस निकाल लेंगे। और ये याद रखिएगा कि ये अभी ये गली नहीं है, सिर्फ तली गई है। अब इसी तेल के अंदर प्याज डाल के और उसको फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे। ये फ्राई हो रही है प्याज और ये ब्राउन हो गई। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून ये डाल के और हम इसमें डालेंगे गोश्त। 1 किलो जो गोश्त है हमारे पास वो इसमें डाल के और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मची सफ़ेद ज़ीरे की भी शामिल कर देंगे और फिर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब ये भुन जाए तो इसके अंदर हम अपना तैयार किया हुआ मसाला पेस्ट, मसाले का पेस्ट जो है वो डालेंगे, पानी इसमें शामिल करेंगे और फिर हम इसको, अब हमें मसाला भूनना है तो उसके लिए हम ये करेंगे कि चूंकि गाय का गोश्त देर से गलता है तो हम इसे ढक के भूनेंगे। इस तरह से मसाले के साथ साथ ये 15 मिनट के बाद ये मसाला भी भुन गया और गोश्त भी थोड़ा सा गल गया होगा। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 3 प्याली पानी इसमें हमने शामिल किया और अब हम इसको 15-20 मिनट पकाएंगे ताकि गोश्त गलने के करीब आ जाए। अब जब हम इसे ढकने को हटाया तो ये गोश्त जो है वो गलने के करीब आ गया है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद टमाटर और टमाटर को हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि टमाटर इसमें शामिल हो जाए सालन में। अब और उसके बाद इसमें फिर हम अरवी डाल देंगे। अरवी डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा, फिर इसको हम 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे और फिर हम चेक करेंगे। ये तकरीबन गलने के करीब आ गया तो इसको पानी डाल के और हमने सालन बना लिया। और अब हम इसमें 1 चम्मची गरम मसाला पाउडर और आधी गड्डी हरे धनिए की शामिल कर देंगे और ये इत्मीनान करने के लिए कि ये मुकम्मल गल गया है, इसको हम अरवी को चेक करेंगे कि गल गई है या नहीं गल गई। अगर गल गई तो ये मुकम्मल तौर पे तैयार है। ये अरवी देखा हमने गल गई है तो अब हम डिश आउट करते हैं इसे। और ये आपका अरवी गोश्त लजीज ये तैयार है। आप इसे तनावुल फरमाएँ।